इस दिवाली बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की यू सी

फॉलो अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू ग्रोइंग वेल्थ अब स्ट्रक्चर का मतलब क्या स्ट्रक्चर एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और साइंटिफिक प्रोसेस को फॉलो करना अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए जिसमें आपके इनकम और एक्सपेंसिस को विगरसली ट्रैक किया जाता हो एवरी मंथ फाइनेंशियल गोल्स को क्लियरली नोट डाउन करके एक फाइनेंशियल प्लान एग्जिट बनाया जाता हो और उस फाइनेंशियल प्लान को डिसिप्लिन रह के फॉलो किया जाता हो अब फर्स्ट ऑफ ऑल लेट सी क्यू स्टॉक मार्केट कैन बी वन ऑफ द फास्टेस्ट वेज ऑफ ग्रोइंग योर वेल्थ अगर आप लास्ट 20 इयर्स में निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स को देखें, जिसमें निफ्टी 50 का प्राइस ग्रोथ ही नहीं लेकिन डिविडेंड्स भी फैक्टर किया जाता है तो आप जानेंगे कि निफ्टी ने लास्ट 20 इयर्स में 14.18% CAGR कैगर दिया है यानी कि 14.18% रिटर्न ऑन एवरेज एवरी ईयर ओवर द लास्ट 20 इयर्स सेम अगर गोल देखे तो उसने लास्ट ट्वेंटी में ट्वेल्व पॉइंट थ्री एट परसेंट क्या कर दिया है और एफ डीज ने 7 दिया है. तो आप अपनी कैपिटल सिर्फ निफ्टी के इंडेक्स फंड में भी लगा लेते हो तो आप मोस्ट अदर एसेट्स को बीट कर देते आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट बीटिंग निफ्टी हि बट रिमेम्बर इज अवट जस्ट बिकॉज निफ्टी ने दूसरे एसेट क्लासेज के कंपेरिजन में बेहतर रिटर्न दिए है ड नॉट इन इट सेल्फ मीन हम अपनी सारी डिस्पोजेबल इनकम निफ्टी यानी कि स्टॉक मार्केट में लगा लेते हैं बिकॉज वाई टाइम होराइजन यूसी फोर्टीन पॉइंट वन परसेंट रिटर्न जो है वो एवरेज है इन एनी गिवन ईयर निफ्टी के रिटर्न ऊपर या नीचे होंगे डिपेंडिंग ऑन न्यूमरस माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स सच सचेस इंटरेस्ट रेट्स इलेक्शन पब्लिक पॉलिसी जियो पॉलिटिक्स वगैरह वगैरह इन टू थाउजेंड फोर्टीन फॉर इंस्टेंस निफ्टी ने इकतीस परसेंट यानी थर्टी वन परसेंट रिटर्न दिए थे लेकिन टू थाउजेंड फिफ्टीन में नेगेटिव फोर परसेंट Similarly, 2016 15 Nifty ne SIRF 3% returns, diye the, and in 2017 it gave 28% return. So you see, the stock market is extremely volatile year to year. But the important point to keep in mind is over 5 to 10 years, Nifty gives a good average return. So now the important question is. What does it mean for your financial goals? Well, firstly, financial goals एक broad term है कुछ financial goals short term होते हैं जैसे कि next year से कश्मीर का vacation plan करना या credit card loans pay off करना कुछ goals medium term यानी कि दो से तीन year maturity के होते हैं जैसे कि नई car खरीदना and then कुछ goals होते हैं long term जैसे कि घर खरीदना या रिटायरमेंट के लिए इनफ कैपिटल इकट्ठा करना अब ऑब्वियसली जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स है जो कि नेक्स्ट वन ईयर में पूरे करने हैं, उसके लिए हमारे सेविंग्स एक्विटीज में नहीं डाल सकते बिकॉज नो वन नोज वेर द एक्विटी मार्केट वुड बी नेक्स्ट ईयर One can reasonably guess that over the long term, the equity markets would rise, say, 12 to 15% each year on average, because that's the rate at which Indian companies' net profits would continue growing. Because we are an emerging economy, assuming a global disaster like a pandemic or climate change or nuclear world war don't destroy the planet, right? And sooner or later, the stock markets follow the earnings growth. But in the short term, the stock market is a sentiments game, it fluctuates wildly due to the emotions of fear.

जैसे कि घर खरीदना या रिटायरमेंट प्लान करना यू हैव एम्पल टाइम टू गिव योर कैपिटल टू कंपाउंड सो इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड स्पेशली अ फ्लेक्सी कैप फंड जो स्मॉल मिड और लार्ज कैप तीनों में इन्वेस्ट करता है वुड मेक मोर सेंस वॉट विल डू नाउ इज डिस्कस अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ऑफ प्लानिंग टू बाय अ हाउस विच फॉल्स इन टू लॉन्ग टर्म गोल आर सिनेरियो इज इफ यू वॉन्ट टू बाय अ हाउस दैट इज वर्थ से टू करोर्स इन टूडे वैल्यू बट ट्वेंटी ईयर्स डाउन द लाइन रिमेबर बीस साल के बाद इन्फ्लेशन के साथ यही घर दो करोड़ का अप्रोक्सिमेटली चार साढ़े चार करोड़ का हो जाएगा देन यू वुड हैव टू इन्वेस्ट अप्रोक्सिमेटली फोर्टी फाइव थाउजेंड एवरी मंथ एट ट्वेल्व परसेंट रिटर्न एन इक्विटी म्यूचुअल फंड टू बाय द हाउस ऑन योर ओन फंड विदाउट टेकिंग ए लोन अफकोर्स लोन लेने से ये अरेथमेटिक चेंज हो जाएगा सो सीनेरियो टू में अगर दो करोड़ के घर के लिए आप अभी सिक्सटी परसेंट यानी की वन पॉइंट टू करोड़ रुपीज का डाउन पेमेंट करके अस्सी लाख की ट्वेंटी ईयर लोन लेते हो से एट एट परसेंट इंटरेस्ट रेट तो आपका ई एम आई आएगा अप्रोक्सीमेटली सिक्सटी सेवन थाउजेंड पर मंथ विच इज मोर देन वॉट यू वुड हैंथ हैड यू चोजन टू बायोर हाउस ऑन योर ओन फंडी ईयर डाउन द लाइन अब सिनेरियो थ्री में इमेजिन अगर आपने खरीदने के बजाय वही दो करोड़ का घर रेंट पे लिया होता इन दैट केस अज्यूमिंग अ थ्री परसेंट रेंटल यील्ड आपका मंथली रेंट फिफ्टी थाउजेंड रहता और इंसटेड ऑफ पेइंग 67000 इन ईएमआई आप सिर्फ 50000 का रेंट पे करते रिजल्टिंग इन अ सेविंग्स ऑफ अबाउट 17000 रुपीस पर मंथ सो क्लियरली क्वांटिटेटिवली अगर हम बात करें तो रेंटिंग अ हाउस मेक्स मोर सेंस राइट बट इज दैट ऑल दैट मैटर्स सी क्वालिटेटिवली स्पीकिंग इट मे नॉट ऑलवेज मेक सेंस व्हाई वेल बिकॉज़ जो घर जिस लोकैलिटी में आपको अभी मिल रहा है ईएमआई पे वो शायद आपको 20 साल बाद ना मिले फॉर लॉट ऑफ पीपल हैविंग योर ओन होम मीन्स हैविंग स्टेबिलिटी इन लाइफ फॉर अदर्स इट मे मीन ओनिंग अ रियल फिजिकल एसेट दैट प्रोवाइड डायवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स टू दर ओवरऑल पोर्टफोलियो इन द फ्यूचर गेट फॉर अदर्स ओनिंग अ अउस प्रोवाइड सेंस ऑफ ओनरशिप And safety. So, financial goals set karte dauran It is important not just to divide them by time horizon that is short-term, medium-term, and long-term goals, but also to clearly understand which goal is important for your happiness and why. In the process of setting your financial goals and assessing different paths of achieving them, you may find that one path makes more sense from numbers perspective, like in your subjective preferences may say otherwise. Ultimately, however, financial planning is about achieving that delicate balance between both. Numbers as well as personal preferences. So is Diwali, why don't you jot down your financial goals on a piece of paper or Excel? They can be as simple as building an emergency fund that covers your two years' worth of expenses or as aspirational as buying a vacation home or saving for your child's college education. Then, closely track your daily expenses to see how much disposable in income you are left with every month and how much you can afford to invest towards these goals. Remember, you can't achieve what you can't measure. So, this Diwali, your first step should involve tracking your daily expenses either in a book or using an Excel workbook. In fact, Murat Trading, which is going to be held on 24th October, can be a great day to take your first step. Towards your milestones and light your goals up. You can use TickerTape's Morat Trading screen to select the best stocks available for you. Also, get 10% off on TickerTape Pro to become pro at investing by using the code FESTIVEN.